एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। आज आई थिंक 15 डेज तो हो चुके हैं कोई भी व्लॉग नहीं आया, वो इसलिए भी क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बिल्कुल भी मैं ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि मैं कोई भी व्लॉग अपलोड करूँ। वायरल वगैरह भी और भी दो तीन चीज़ें साथ साथ सारी चीज़ें हो गई। अभी ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है और आई एम फाइन राइट नाउ। एंड आज हमारे सावन का लास्ट फास्ट है, मतलब सावन ख़त्म हो जाएगा, आज लास्ट फास्ट है। तो आज हम लोगों ने प्लान किया कि हम कहीं मंदिर जाएंगे, कि सुबह ऑफिस जाना होता है और नहीं हो पाया सुबह, क्योंकि 6:45 पे तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ता है। सुबह सुबह जल्दी जल्दी कुछ नहीं हो पाया, तो हमने केवल घर पर पूजा करी थी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और ट्यूशन वगैरह पढ़ा दिया मैंने, शाम के 5:30 सॉरी ट्यूशन वगैरह पढ़ा के मैं हो चुकी हूँ फ्री। और भाभी ने भी रात की तैयारी कर दी है, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर और मंदिर जाके आपको दिखाते हैं वहाँ कैसा है, मंदिर कैसा है, मतलब क्योंकि आज हम भी फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं। और बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर, और वॉइस ओवर देने का कारण ये है कि वहाँ पे बहुत तेज वॉल्यूम में भजन चल रहे थे और फिर मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, मतलब मैं बोल भी रही थी तो पीछे से बहुत तेज आ रहा था। और फिर हम वहाँ जाते ही सबसे पहले तो मैं दीदी लोग के साथ हम लोगों ने सफाई वफाई करने लग गए थे, क्योंकि कल सुंदरकांड है मंगलवार को, तो वहाँ सफाई चल रही थी और बहुत सारा ऑयल वगैरह हो गया था सुबह से। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का लोकेशन, तो आप देखो कितना ज़्यादा ग्रीनरी है, नीले आसमान, सब कुछ बहुत प्यारा सा था वहाँ पर। मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम गए, शादी के बाद मैं पहली बार ही गई हूँ। घर के बगल का ही मंदिर है, मतलब बगल वाली कॉलोनी, सामने वाली कॉलोनी में ये मंदिर है, शिव शक्ति धाम आई थिंक मंदिर का कुछ नाम था, शिव शक्ति धाम ऐसा कुछ था। और यहाँ पे लॉन था बैठने के लिए बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा हमको लगा वहाँ जाके। और हम लोग लगे थे काम में, तो मेरे को अचानक से याद आया कि बहुत दिन हो गए हैं, व्लॉग भी नहीं बनाया है, बहुत दिन हो गए, स्किप हो जाता है रोज़ के रोज़ कुछ सोचने में। और वहाँ हमारी दोस्ती हुई किसी से, मैं दिखाती हूँ किससे। तो चलो देखो, ये था चीकू। तो चीकू है इन आंटी का पपी जो हमारे साथ काम कर रही थी, और देखो ये इतना प्यारा था ना कि इसने अपने आप को पूरा का पूरा भिगा लिया था। मतलब हम लोग काम कर रहे थे तो पीछे पीछे आगे आगे जहाँ जहाँ पानी जा रहा है वहाँ ज़बरदस्ती पूरे पूरा गीला हो गया था। और दद्दा जो है, दद्दा ने पूरे मंदिर में सर्फ डाल दिया, पहले पानी पानी था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयल, सुबह से लोग आ रहे होंगे तो ऑयल बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तो पूरी सफाई चल रही। दद्दा ने अपना भी लग गए, हम लोग भी, फिर पूरा ऊपर से सर्फ से दीदी वाइफर मार रही थी और भाभी पोछा लगा रही थी, और नीचे आंटी नीचे वाला जो हवन का एरिया था वहाँ पर साफ़ कर रहे थे। तो सब लगे हुए काम पर थे और छोटू भी काम पर लगा हुआ था, तो फिर हम लोग लग गए वापस से काम पर। तो थोड़ी देर बाद भाभी को याद आया कि अरे नहीं, मैंने सोचा कि नहीं मुझे लोग कामचोर समझेंगे, भाभी ने कहा अरे हाँ सच में कामचोर समझेंगे। तो भाभी ने बोला लाओ तुम्हारी एक क्लिप बना दूँ, तो भाभी ने मेरी भी क्लिप बना दी, क्योंकि हम लोग का ऐसा कुछ प्लान नहीं था व्लॉग बनाने का। सडन ना हमने स्टार्ट किया कि घर से जाते वक्त कि ठीक है आज एक व्लॉग शूट कर लेते हैं। और फिर हमने किया मंदिर का सारा काम वाम, पोछा ओछा अच्छे से करने के बाद हमने किया मंदिर की पूजा और सिडजू को कहते हैं बाय, और साथ साथ हम भी करते हैं इस व्लॉग का एंड। तो ये व्लॉग छोटा सा ज़रूर था, बट ठीक है, ये मेरी नई मेमोरीज थी क्योंकि मैं नई जगह गई थी। तो अब करते हैं बाय बाय, व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।